सर बताइए कि सब्जेक्ट का जो चुनाव आपने किया है ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि इस तरह का सब्जेक्ट पर फिल्म बनाया गया है। जब मैंने एक्टर में देखा सिन्हा मेरे लिए बड़ा अद्भुत क्षण है और फिल्म के डायरेक्टर इतनी अच्छी फिल्म और मैं मतलब कि मैं पहली बार थिएटर में बैठ के बेहतरीन फिल्म बड़ी उमदा फिल्म एक संदेश देने वाला फिल्म सर प्लीज
अच्छा आर्टिस्ट है, उनके बारे में बहुत ही सेंसिटिव फिल्म का जो सब्जेक्ट है, जो डायरेक्शन मिलता है एक्टर को किसी फिल्म में किसी सब्जेक्ट का हिस्सा बनने, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और किसी ऐसी उम्र में आपको मिले जहाँ पर आप जीवन जिए हो, आप संवेदनशील हो, आपके मन पर काफ़ी असर हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तब मिला। और ऐसी बेटी मिली रिंकू जैसी, जिसमें इतने इमोशंस की समझने की क्षमता है। और आप देखिएगा, लोग कहते हैं कि एक हादसे के बाद जिए कैसे, उस हादसे के बाद इसने जो परफॉर्म किया है उस मेकअप के बीच, मुझे लगता है काबिल तारीफ तो है ही, पर वो इमोशन और लोगों तक पहुँचे।
तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है उसमें कंट्रीब्यूशन राइटर डायरेक्टर और मेरी बच्ची जो बनी है इसका है। सर ने तो सब कुछ बता दिया है, फिर भी सब्जेक्ट बहुत ही सेंसिटिव है, जो होना नहीं चाहिए वही बताया है। और कैरेक्टर के बारे में इतना खूबसूरत किरदार है, मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि इस फिल्म का मैं एक हिस्सा हूँ। और राइटर डायरेक्टर को एक्टर सबका सपोर्ट है, इसलिए वो खिल के आता है। और मैं और एक बात कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ मुझे इनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, और डेफिनेटली और एक पिताजी मिले से मैं कह सकती हूँ। तो आई एम सो हैप्पी, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी हमें बताएं कि उनको फिल्म कैसी लगी। हिंदी फिल्म के जी मुझे ऐसे कुछ लैंग्वेज नहीं है कि मुझे मराठी में करना है, मुझे हर लैंग्वेज में काम करना है, तो डेफिनेटली हिंदी में भी करना है। मुझे खुद का किरदार पसंद आया तो मैं फिल्म का छोटा हिस्सा भी बनना पसंद करूंगी, और अभी बता नहीं सकती, जब फिल्म में आते पढ़ते तब हम डिसाइड करते उस वक्त ही क्या करना है। थैंक यू। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने जब ये फिल्म की सिनॉप्सिस या स्टोरी मैंने सुनी, तब मुझे स्टोरी सुन के ज़्यादा मैं ये फिल्म की तरफ खींचा चला, मतलब स्टोरी मुझे ज़्यादा भावुक कर गई। वो कैरेक्टर तो ये था, कैरेक्टर मेरा पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे पता नहीं था, स्टोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ। और ये फिल्म आज हमने देखने के बाद दर्शकों के चेहरे पर जो भाव है, जो खुशी है कि ये फिल्म बहुत बेहतरीन बनाई है। बहुत मज़ेदार इक्वेशन था। मकरंद देशपांडे सर के साथ मैं क्या बोलूँ, मैं मकरंद देशपांडे सर उनके साथ शूट करना एक एक्टिंग स्कूल के जैसा है। उनके साथ जब मैंने पहला सीन किया मैं बहुत डरा हुआ था, यार नभाकरण देशपांडे सर है, थिएट्रिकल लेजेंड है, उनके साथ मेरा सीन था। और मैं उनके साथ जिस तरह सीन हमने शूट किया, जो लिख के आया था वैसा शूट नहीं हुआ। सीन के सोल को किस तरह पहचानना, सीन के ऑब्जेक्टिव को किस तरह पहचानना, ये उनसे मैंने सीखा। बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि किस तरह हम इसे कोरियोग्राफ करेंगे, क्या इमोशंस होने चाहिए, किस तरह का ये है, क्योंकि कभी कभी हम शेड्यूल के आगे थे, कभी कभी शेड्यूल के पीछे थे, तो उनके साथ काम करते हुए काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। प्रोजेक्ट्स है, मैं काम भी कर रहा हूँ पर अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन जल्द मैं आप ही से मिलूँगा और हम ऐसे ही इंटरव्यू करेंगे भगवान की दया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स बहुत एक अलग किस्म की लव स्टोरी है, जो बिल्कुल नया टेक है और विथ कंटेंट है और बहुत सेंसिटिव है। यू नो कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपके यू नो आपका योर हार्ट विल ब्रेक आउट, एंड विथ सस्पेंस है और रोमांस है, सो इट्स लाइक दैट ओनली। जी मेरा एसोसिएशन है कि मैं इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ सीरीज देशमुख का, जो रिंकू राजगुरु जिनका कैरेक्टर स्कूतिका है उनके अपोजिट मैं प्ले कर रहा हूँ, और यही एसोसिएशन और क्या है, यही है। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज यू नो जब मकरंद सर जैसे लोग या रिंकू राजगुरु जैसे लोग जब सेट पे होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट मूवी एंड आई थिंक आई हैड लर्न अ लॉट।
जी नेक्स्ट तो अभी पता चलेगा एंड आई वुड लव टू हैप्पी यू नो मैं जब बताऊंगा तो इट्स वेरी बट अभी अभी आठवा रंग प्रेमा से एंजॉय कीजिए। देखिए हर कहानी का एक कहने का अंदाज़ होता है, ये है सेंसिटिव सब्जेक्ट और इसे बहुत सेंसिटिवली बनाना ज़रूरी था क्योंकि अगर आप इसको लापरवाही से बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है इन टर्म्स ऑफ उसको हैंडल करने में और आई थिंक एक फीमेल इमोशंस जो एक डायरेक्टर के खुद के हैं वो इस फिल्म में उठ के आए हैं और उन्होंने इस पिक्चर को वो सेंसिटिविटी और वो क्लास भी दिया है और उसको बारीकी से पूरी कहानी को बोला भी है। सी मकरंद देशपांडे तो आप जानती हैं कितना उम्दा एक्टर हैं, रिंकू राजगुरु ने तो उन्हें अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है और जो विशाल आनंद जो लॉन्च हुआ है उसने भी इन एक्टरों के सामने अपना ग्राउंड पकड़ा और पूरी ईमानदारी से और मेहनत से अपना यू नो किरदार निभाया।